रीवा चोरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम रमकुई में सरहंगों ने पीड़ित की जमीन पर किया कब्जा। पीड़ित ने रीवा एसपी से लगाई गुहार। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम रमकुई भोलगढ़ में सरहंगों ने पीड़ित राम खेलावन नामदेव की जमीन पर किया जबरन कब्जा, जिसकी शिकायत पीड़ित ने चोरहटा थाने में दर्ज कराई थी, मगर पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित ने आज एसपी कार्यालय में आकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित का ग्राम रमकुई से निकलने वाली बाईपास रोड में रिहायशी मकान है। यहां अपने खेत में परिवारजनों के साथ नया मकान बनाकर 20 वर्षों से रह रहे थे। पीड़ित के मकान की जमीन का रकबा 400 हेक्टेयर है। आरोपी आजाद कीर्ति द्विवेदी से पीड़ितों को जान का खतरा भी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हमारा नाम आशीष कुमार नामदेव है और थाना चोरहटा हमारा चोरहटा थाना लगता है और हम रमकुई गांव के निवासी हैं। हमारी जमीन में 3 फुट अंदर ये जो पीछे जमीन खरीदे कमल प्रभाकर द्विवेदी, ये हमारी जमीन 3 फुट और अंदर की ओर लिए ले रहे हैं, कब्जा किए ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हमारे सीमांकन की तारीख 10 नवंबर को सुनिश्चित की गई है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सीमांकन करा लें। इसके बाद जो उनकी ज़मीन जहाँ निकलेगी तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हमारे परिवार की ज़मीन जब वहीं से बराबर आई तो अंदर काहे के लिए गाड़ रहे हैं। हम लोग को बड़ा परेशान किया जा रहा है, कहते हैं कि तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे और पढ़ते लिखते हैं, बताइए साहब हम यहाँ कहाँ तक कब तक भटकें, क्या क्या करें, कोई सुन कहाँ जाएँ, किससे अपनी परेशानी बताएँ। इनका कब्जा कर रहे हैं कमल प्रभाकर द्विवेदी, इनके भाई कीर्ति आजाद द्विवेदी, ये सरचाक घाट के रहने वाले हैं और हम लोग यहीं रीवा के हैं। तो हम यही आवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि हम लोग सीमांकन करवा लें, जितनी हमारी ज़मीन है वही हमको अपनी चाहिए। ये हमारी हमारी ज़मीन के अंदर काहे कब्जा कर रहे हैं, बस यही चाहिए। धन्यवाद।